थ्योरम है हमारे पास, इसको थोड़ा सा ध्यान से इमेजिन करिए। बोला जा रहा है इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब दो ट्राइंगल है और वो सिमिलर है, वो कह रहे हैं उनके एरिया भी क्या है सेम, तो दिखाइए कि वो कॉन्ग्रुएंट है, दिखाइए कि वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब करस्पोंडिंग पार्ट क्या होंगे चाहिए, इक्वल, चाहे हम एंगल की बात करें और चाहे हम साइड्स की बात करें। ओके, तो ना एक चीज मैं आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ, देखिए शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगे वो पक्का सिमिलर होंगे, लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो ये जरूरी नहीं। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मान लीजिए कि एक ऐसा ट्राइंगल है, ठीक, ये एक ऐसा ट्राइंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके नाम कुछ भी दे सकते हो आप, ए बी सी और डी ई एफ। तो देखिए दोनों सिमिलर तो हो गए, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई बताइए क्या इनका, मैं कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या इनका एरिया इक्वल आपको दिखाई पड़ रहा है प्लेन में, नहीं, तो कैसे एरिया बढ़ेगा, सो थोड़ा सोचिए, ये अपना साइज क्या करना शुरू करेगा, बढ़ाना ऐसे 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 ऐसे, या तो ये वाला ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो और होते होते प्लेन में उतना ही एरिया, एरिया समझते हैं, ये देखिए ये जो सरफेस पे जितना सरफेस ये कवर कर रहा है क्या ये उसका एरिया, ठीक है ना, तो ये कितना सरफेस कवर कर रहा है, ब्रश लेके आइए पेंट करिए उसको, ये देखिए इतना, ठीक, और ये कितना करता है इतना, ठीक, तो आप देखते हैं एरिया सेम नहीं, लेकिन अगर यहां ऐसा होने लगे, ओके, तो करवा दीजिए ऐसा, ये देखिए ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और कुछ ऐसा आ गया। और एक चीज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए क्या, कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे ना वो इक्वली रहने चाहिए, इसको उठा के अगर ऐसा इस पे फिट करोगे ना कोइंसाइड कर जाएगा, ए बी किसको किसके ऊपर आएगा, डी के, बी सी, ई एफ के, ए सी, फिर हम बोलेंगे साइड 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 से दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट ना। तो एक काम करते, ये जो इन्होंने मुझे कंडीशन दी हुई है, बोला है कि दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर भी हैं और साथ में उनके एरिया क्या है इक्वल भी, तो अगर मेरे को दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है तो मैं दोनों के साइड्स क्या दिखा दूं इक्वल, बात समझ में आता है। तो मेरा एम क्या बन गया, मेरा एम बन गया इस क्वेश्चन में कि मैं AB को दिखा दूं किसके इक्वल, BE के, नंबर 1, मैं BC को दिखा दूं किसके इक्वल, EF के, और मैं AC को दिखा दूं किसके इक्वल, DF के। इसको दिखाने के लिए सबसे पहले तो ट्राइंगल ABC सिमिलर है, ट्राइंगल एक तो आपको ये गिवन है, ऑल्सो आपको गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, देख लीजिए आपको गिवन है दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और एरिया इक्वल है, अदर वे अराउंड यू कैन से दैट कि इक्वल एंड सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, इक्वल एंड सिमिलर मींस व्हाट, इक्वल किसको इक्वल बोल रहा है, आंसर है एरिया को इक्वल बोल रहा है, इक्वल एंड सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता होगा, एनसीईआरटी में गिवन है, ये दो बातें मुझे गिवन है, इसका मैं फायदा उठाता हूं। देखिए थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, अगर मुझे ऐसा लाना है, ओके, अगर मुझे ऐसा लाना है तो मैं क्या ऐसा नहीं सोच सकता हूं कि AB इज इक्वल्स टू DE को मैं DE इनटू 1 नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूँ डी इंटू वन भी तो कितना होता है डी, नाउ डिवाइडिंग बाय डी ऑन बोथ साइड, तो डी गेट्स कैंसिल्ड और ए बी अपॉन डी कितना आता है 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, इसका मतलब अगर मुझे ऐसा मिल जाए तो मैं उल्टी डायरेक्शन में चलूंगा, समझ में आता है, यहां से मैं ऐसा चलूंगा, स्क्वायर हटाऊंगा, यहाँ क्या लगेगा 1 पे स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे केवल पॉजिटिव लेंगे, तो हम बोल सकते होंगे AB अपॉन DE कितना आता है 1, फिर हम क्या कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो DE किधर चला जाएगा उधर, तो हम क्या बोलेंगे AB DE के इक्वल आ गया। तो
तो यहां से स्टार्ट करिए, ऐसा कहां मिल जाता है? तो आंसर है सबसे पहले वाला थ्योरम, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इक्वल्स टू एबी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर, एबी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर आल्सो आल्सो वी कैन राइट बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर आल्सो, ये तीनों बातें हमने प्रूफ की थी, मास ईएफ स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर, AC square upon BF square, but देखिए एक बार मैं इन दोनों को लेता हूं, अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो मैं इक्वेशन नंबर वन में क्या टू में क्या गिवन है, मुझे दोनों का एरिया कैसा है सेम, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF Yes, is equals to AB का square upon AD का square, ठीक है? These two gets cancelled आगे. This implies that AB square upon is equals to 1. This implies that AB upon DE is also 1. क्योंकि square root लोगे इधर से square हटेगा, तो 1 का square root कितना होगा? Plus minus 1 होगा, लेकिन प्लस वैल्यू लेके रेशियो नेगेटिव नहीं होता, ओके? ठीक, ये आ गया मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ए बी इज इक्वल टू डी ई, ओके? सिमिलरली अब सेकंड एंड थर्ड कर देंगे, सिमिलरली और यू कैन से दैट कि ए बी अपॉन डी ई कितना आ गया था 1, तो पक्का BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, दिस इंप्लाइज दैट कि BC अपॉन EF इज इक्वल्स टू 1, EF इज इक्वल्स टू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC इज इक्वल्स टू EF, तीसरा कर सकते हो, यस सर, तो करस्पोंडिंग साइड्स का लेंथ इक्वल आ गया, मतलब साइड 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 से दोनों ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, कोई डाउट है बताइए,